सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारोपी विकास दुबे के ऊपर 1,00,000 रुपए इनाम की घोषणा होगी। घटना के बाद आईजी रेंज ने उस पर 50,000 के इनाम की घोषणा की थी। शनिवार को एडीजी जोन जीएन सिंह के पास इसकी रिपोर्ट बनाकर इनाम की रकम 1,00,000 कर दी जाने की संस्तुति की गई है, जिस पर एडीजी के हस्ताक्षर होने के साथ ही इनाम राशि बढ़ जाएगी। घटना में शामिल विकास के गुर्गे श्यामू बाजपेयी, छोटू शुक्ला, जेसीबी चालक मोनू जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री, शशिकांत पंडित, शिव तिवारी, विष्णुपाल राम सिंह, राम बाजपेयी, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा, गोपाल सैनी, वीरू भवन, शिवम दुबे, बाल गोविंद और बउआ दुबे के खिलाफ 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। घटना के बाद से विकास दुबे के गांव बिकरू से सैकड़ों परिवार घरों में ताला लगाकर चुपचाप भाग निकले हैं। लोगों में दहशत है कि पुलिस कहीं नजदीकी होने के नाते उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई न कर दे। जो लोग गांव में हैं भी वो घरों से नहीं निकल रहे, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। पूरे गांव का मुआयना किया तो सैकड़ों घरों में ताला लटका मिला, गाय भैंस और बकरियां बाहर बांधी मिली। ऐसा लगा कि आनन फानन में जान बचाकर परिवार भागे हैं। कई घरों के बाहर बंधे मवेशी भूख से बेहाल होकर चिल्लाए तो पड़ोसियों ने चारा दिया। जिन घरों में ताला नहीं है वहां महिलाएं या बुजुर्ग ही मिले, वो भी घर के अंदर ही कैद हैं। पुरुष रिश्तेदारों या नजदीकी के यहाँ पलायन कर गए हैं। कई घरों में तो दहशत के चलते चूल्हे तक नहीं जले हैं।